भाई साहब ये बहुत ज़्यादा भारी है, और ये है फाइनल एक नया मॉनिटर जो हम ले रहे हैं, और जो मैंने आप लोग को लास्ट अनबॉक्सिंग में दिखाया था कि मैंने मैकबुक प्रो लिया 16 इंच, उसके पीछे रीज़न ही ये था सिंपल सा कि हाँ भाई हम एक नया सेटअप रेडी कर रहे हैं, अब टीम बढ़ गई है, एक एडिटर भी हो गया हमारे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नए नए सेटअप रेडी किए जाए, तो वो भी मेन रीज़न था एक और लैपटॉप खरीदने का। और इनफैक्ट हम आगे चल के एक और लैपटॉप खरीदेंगे, शायद वो मैकबुक प्रो ही होगा, बट उससे पहले ये डिस्प्ले मैंने कहीं पे देखी थी, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि भाई मैं इसको ज़रूर खरीदूंगा क्योंकि ये एडिटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और ये अल्ट्रा वाइड एंगल वाला मॉनिटर है, मुझे बहुत ही कूल लगा था। तो अब साथ मिल के देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। अमेज़ॉन से आया था जस्ट, मैंने ऊपर से इसको अभी तक अनबॉक्स किया है, बाकी अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, तो स्टार्ट करते हैं मिलकर, कैजुअल सी वीडियो रहने वाली है, तो सबसे ऊपर देख लेते हैं। एक हमें फालतू का कार्डबोर्ड लगा हुआ मिल जाता है, इसको अभी के लिए साइड में रख देते हैं, बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और डिस्प्ले के बारे में कुछ बता रखा है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसको अनबॉक्स कर देते हैं, और मेरे हिसाब से है ना ये पावर केबल है अपनी जो कि इस बड़े वाले अडैप्टर के साथ जाएगी, तो इसको भी खोल देते हैं जल्दी से। इतना मोटा है वैसे इसका ये अडैप्टर इस डिस्प्ले के लिए, और ये हमारी पावर वाली केबल होगी जो डिस्प्ले के अंदर जाएगी, तो हमें ये दो चीज़ें देखने को मिल जाती है, और वाइट कलर की है, बहुत ही जल्दी गंदी होगी वो अलग बात है। और हमें ये एक और केबल देखने को मिल जाती है, यहाँ पर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, सीडी वगैरह दे रखी है। आजकल सीडी किसके पास होती है गाइस, मतलब सीडी कौन ही खोल कर देखता है अब। और यहाँ पर हमें एचडीएमआई केबल देखने को मिल जाती है, ये थोड़े बहुत थर्माकोल है, ये बहुत सारे थर्माकोल देखने को मिल जाते हैं, इन सबको हटा देता हूँ मैं, ये लास्ट ये बचा है, ओ बहुत अच्छी प्रोडक्शन के साथ ही आया था। और यहाँ पर हमें ये इसका स्टैंड भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छे से पैक कर रखा है, कह रही है इसको भी खोल देते हैं। और ये है इसका पूरा स्टैंड जो कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है, पूरा एल्यूमिनियम की फील दे रहा है ये, और देखो कितनी जल्दी फिंगरप्रिंट भी आ रहा है इसके ऊपर, काफ़ी कूल लग रहा है ये। अभी के लिए इसको भी साइड में रख देते हैं, और अब निकालते हैं डिस्प्ले को। ओ डिस्प्ले से पहले एक और चीज़ है, यहाँ पर एक और स्टैंड हमें देखने को मिल जाता है, कितने सारे स्टैंड दिए, ऑब्वियसली एक हुक वाला भी तो होना चाहिए, वो बेस के लिए था, तो इसको भी जल्दी से अनबॉक्स कर देते हैं। और ये भी काफ़ी हैवी है और अच्छी क्वालिटी का है, मुझे ये अच्छी बात लगी, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव मॉनिटर है बट स्टिल क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इस प्राइस रेंज के अंदर और ही मॉनिटर देखे थे वो इतने कूल नहीं दिखते थे, तो ये भी एक रीज़न था कि हल्का सा हमें क्योंकि वीडियो में भी यूज़ करना है तो कुछ अच्छा दिखने वाला मॉनिटर चाहिए था, तो वो उनमें से एक ये है। तो ये देखते हैं कैसे लगेगा, आपको लगा के दिखाऊंगा उससे पहले अब निकाल लेते हैं मॉनिटर को जो कि बहुत ही हैवी है, और फाइनली ये निकल के आ गया है, और इसको मैं तो इसको हटा देते हैं, और एक कर्व्ड मॉनिटर है, ये बेस्ट बात है इसकी। ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये मैट फिनिश के साथ आता है, ये ग्लॉसी नहीं है। वैसे सच बताऊं तो मुझे ग्लॉसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मतलब ग्लॉसी डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है, बट पहली बार होगा जब मैं मैट यूज़ करूँगा, तो देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। देखो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कितनी कर्व डिस्प्ले है जो कि एडिटिंग के टाइम पे बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। चलो अब इसका फाइनली रैपर हटाते हैं जो कि बेस्ट पार्ट होता है हर एक अनबॉक्सिंग का, तो मेरा यही प्लान है कि जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। पूरा ग्लॉसी है और यहाँ पर अगर पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमें दो USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, HDMI भी है और थंडरबोल्ट पोर्ट भी है यहाँ पर, ये जनरेशन 2 वाला है, अब तो टाइप सी वाले थंडरबोल्ट आने लगे हैं, तो इसका मेरा कुछ खास यूज़ नहीं है। बाकी देखते हैं क्या आगे की तरफ भी कोई है प्लास्टिक, नहीं यार आगे की तरफ कुछ भी नहीं, आगे की तरफ हमारी सिर्फ मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। इसका स्टैंड कैसे लगेगा अब ये एक डाउट रह गया है, तो देखते हैं कि हाँ शायद से ये जस्ट ऐसे ही क्लिप हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, बट देख लेते हैं कि कैसे रहेगा ये। आई थिंक ये ऐसे ही क्लिप होएगा। ओ ये तो बहुत ही ईजी था, काफ़ी ईजी था ये, जैसे स्टैंड को मैंने इसके साथ क्लिप किया और आसानी से हो गया, तो ये भी काफ़ी कूल चीज़ थी। अभी के लिए इसको ऐसे रख देते हैं, हाँ और ये कैसे लगेगा पीछे की तरफ, हमें यहाँ पर ये एक ऐसे हुक देखने को मिल जाता है, आई गेस ये इसके साथ ऐसे स्क्रू हो जाएगा और बहुत ही ईजिली, मेरे को शायद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और हाँ मैं सही था, काफ़ी यार इजी प्रोसेस था इसका। सीरियसली मुझे लगा था कि इसको हमें काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, बट ये तो बहुत ही ईजिली सेट हो गया, तो LG ने ये काम तो बहुत अच्छा किया है कि अगर किसी इंडिविजुअल को भी इसको सेटअप करना है तो वो कर सकता है। तो अब इसको उठा देते हैं, ओ अपनी डिस्प्ले रेडी है फाइनली,
और आपको ये बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी हमेशा। कितनी बढ़िया है यार ये, आप देख सकते हो काफ़ी कूल लग रहा है। ओहो ऐसा मेरे को ये काफ़ी अच्छा फ्रेम लगा है। खैर मुझे बहुत बड़ी लगी, एक तो बेस्ट बात ये है, और ऊपर से ना शायद ये ऊपर नीचे भी हो जाती है शायद, हाँ होती है ये, तो भाई ये एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कूल चीज़ लगी इसके अंदर मुझे। वैसे यार काफ़ी हाई एंड मॉनिटर है ये, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जब मैंने मंगवाया था किसी और की, मैं यहाँ पर देख कर आया था इसको, उस टाइम मुझे पता नहीं था इसके अंदर इतने फीचर है। चलो अब इसको ना अपने मैकबुक के साथ में कनेक्ट करता हूँ और फिर आप लोग को दिखाता हूँ पूरा डेस्क सेटअप बनाकर। गाइज अभी तक का अपडेट ये है कि हमने यहाँ पर मॉनिटर तो लगा लिया और काफ़ी सारी चीज़ें नई भी खरीदनी पड़ी हम लोग को, जैसे कि मैं एप्पल स्टोर से ये कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। एक तो है ये टाइप सी वाला स्टेशन, इसके अंदर हमें सारे पोर्ट देखने मिल जाते हैं, टाइप सी तो ऑलमोस्ट सब कुछ है यार। इसके अंदर दो USB भी है, ईथरनेट भी है और HDMI भी है, तो मेरे को लगा कि ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ रहेगी। बट इसके नीचे यहाँ पर मतलब सेटअप पे रखा हुआ है, बहुत ही कूल है, काफ़ी एक प्रीमियम एक्सेसरी है ये। अब क्योंकि हम एक एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करने वाले हैं तो ऑब्वियसली अब लैपटॉप का कीबोर्ड और ट्रैक पैड तो यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने अलग से एक मैजिक माउस और एक मैजिक कीबोर्ड भी खरीदा है, तो इसको भी अब जल्दी से सेटअप करते हैं। और साथ में ये थोड़ी सी स्पेशल चीज़ है, थोड़ा सा पास आके दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये ना ऐसे करके इसके ऊपर, बहुत ही प्रीमियम एक्सेसरी है, इसके ऊपर ऐसे करके लैपटॉप फिट हो जाएगा और ये बहुत ही कूल लगेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। मैंने और भी बहुत सारे डेस्क सेटअप में देखा है, वहाँ से इंस्पिरेशन मिली है मेरे को ये, तो मैं अपने वाले में भी ये यूज़ करने वाला हूँ। तो हर एक चीज़ सेटअप करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया गाइस, ये है मार्वल वाला बहुत ही बड़ा माउस पैड जो कि मैंने मिनीसो से ख़रीदा था, बहुत ही सस्ता था और बहुत ही ज़्यादा कूल है। और ये पूरा का पूरा ऐसे इतना बड़ा रखा जाएगा यहाँ पर, और इसके ऊपर कीबोर्ड माउस भी रखा जाएगा, तो सेटअप बहुत ही कूल बनने वाला है बस 2 मिनट रुको। तो गाइस काफ़ी सारे ट्विस्ट के बाद हम लोगों को पता लगा है जो लेटेस्ट वाली 2019 16 इंच मैकबुक प्रो है उसके टाइप सी पे अगर कोई भी आप स्टेशन लगाते हो, अगर उसको HDMI से कनेक्ट करते हो, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, मतलब कुछ बार बार रिफ्रेश होती रहती है डिस्प्ले। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद हमें पता लगा कि जो हमारी पुराने वाली मैकबुक प्रो है उसके साथ वो कनेक्ट हो रहा है ये पूरी की पूरी डिस्प्ले, और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये पूरा इतनी बड़ी टाइमलाइन हमारी बन जाती है और हम आराम से एडिटिंग कर पाएंगे, और बहुत ही कूल सेटअप है ये। बेसिकली ये लिया था एडिटिंग करने के लिए, जैसे हमें पूरी टाइमलाइन दिखती रहे पूरी की पूरी वीडियो की, वो हमारा पर्पस पूरा सॉल्व हो जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी फेवरेट डिस्प्ले है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं इन्जॉय करने वाला हूँ इसके अंदर एडिटिंग। बाकी एप्पल को यार अपने हार्डवेयर को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है, अगर आपको पसंद आई हो तो यार लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग को ज्वाइन कर, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।